क्या एग्जैक्टली पूरा थीम था और क्या एग्जैक्टली रिपब्लिक डे पर हुआ? एक तरह से ये नायरा बताती भी है कि जो सर्टिफिकेट मिला था अक्षरा डांस एकेडमी को, वो इसी दिन मिला था, 26 जनवरी को ही शुरू हुआ था, और आज के दिन इट्स ऑल्सो रिपब्लिक डे एंड द सेलिब्रेशन, तो वो पूरा रखा हुआ है। और साथ साथ में जो उनके आश्रम में जो लड़की पढ़ती थी वो साथ में आई है, बिकॉज शी इज़ गोना डांस विद नायरा, सो दैट इज़ द एंटायर थिंग बेसिकली। तो पूरा घर उसके लिए बहुत खुश है, बिग सेलिब्रेशन हैपनिंग, लव कुश इज बैक, सो ऑब्वियसली एवरीवन इज वेरी हैप्पी। तो वो है 26 जनवरी का बेसिक थीम। अच्छा, डांस भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है कल। एक्चुअली सब बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि सबको बहुत अलग अलग गेटअप्स मिले थे। दादी बंगाली अटायर में बहुत खुश थी, कोई गुजराती अटायर में था, कोई राजस्थानी अटायर में था। आप लोगों का क्या अटायर है ये बताइए? हम भारत, वे इंडिया। लेकिन बात के नारा बड़ी सुंदर लग रही है, उनकी तारीफ में कुछ कहेंगे आज कार्तिक? तुम ही कह दो, मुझसे करवाते हो हमेशा। Come back. Nah. Obviously she's looking very pretty, mashallah, and this is the whole the dance, the Bharatnatyam attire, na? Kathak attire, the whole classical dance attire. She's obviously very graceful, very beautiful. She's obviously looking very beautiful as always, and मैं भी ठीक ठाक ही लगता हूँ। लेकिन बात की कहीं ना कहीं कार्तिक और नारा को बस रोमांस करने का एक मौका चाहिए रहता है, यहाँ पे भी रोमांस का मौका ढूंढ रहे दोनों, खासकर कार्तिक। Yes. हाँ, बहुत एक छोटा सा मोमेंट है जब वो फोटोज खिंचवा रही है और कार्तिक इमेजिन करते कि चलो मैं भी थोड़ा साथ में स्टेप्स कर मूव्स कर लेता हूँ, और तो देयर इज अ स्मॉल नॉटीनेस दैट इज हैपनिंग। ऑब्वियसली बहुत भगदड़ चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, सारी चीज़ें अरेंज करनी है, नायरा का पूरा डांस का है, सो इन बिटवीन दे हैव दैट स्मॉल क्यूट सा मोमेंट जहाँ पर एक वो फोटोग्राफ वाला करे। बहुत पुराना एक फोटोग्राफ वाला ड्रीम था हमारा, जहाँ पर वो उन्हें पोजेस दिखा रहे और वो पोजेस करके फोटोग्राफ्स खींचते, तो कहीं ना कहीं वो ड्रीम को कनेक्ट किया। अच्छा, आज कार्तिक ने जितने भी पोजेस आपको दिखाए, सबसे बेस्ट पोज कौन सा था कार्तिक? एक्चुअली वो ऑफ स्क्रीन वो मैंने ही निपटाए थे। आई डोंट नो कथक पोजेस ब्रो, वो मैंने ही निपटाए थे, और उन्होंने सारे मोर ऑफ हिप हॉप बहुत अच्छे किए। क्या एक करना जरा कुछ बाद में करता हूं। अच्छा, उन्होंने सारे पोजेस बहुत ही ग्रेसफुली बहुत ही अच्छे किए। अच्छा, एक चीज़ और, त्रिशा को लेकर ऑब्वियसली मैंने लास्ट टाइम ये पूछा था कि काफ़ी ड्रामा चल रहा है, और आज त्रिशा ने लव कुश को जड़ भी दिया है, इस बारे में आप लोगों को अभी तक कुछ पता चला ऐसा? है? नो आइडिया, सच में नहीं पता हमें, ऐसे मत देखो कि हम छुपा रहे हैं।